वेलकम फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टूडेंट अड्डा पर। प्लीज दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इस बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम के लिए सिलेबस आपको कहाँ से मिलेगा, बिकॉज काफ़ी स्टूडेंट ये क्वेश्चन कर चुके हैं और काफ़ी कमेंट्स मेरे पास इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग आ रहे हैं कि सर हमारा सिलेबस क्या है। बिकॉज अगर हमें सिलेबस पता होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर पाएंगे। सो सिलेबस ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है बट आपको उसकी जानकारी नहीं है। बट काफ़ी जो ओल्ड स्टूडेंट हैं जो सेकेंड या थर्ड ईयर में हैं या ऑलरेडी एक सेमेस्टर इग्नू में कंप्लीट कर चुके हैं, उनको पता होगा कि उनका सिलेबस क्या है। बिकॉज इग्नू कोई भी पर्टिकुलर सिलेबस डिक्लेयर नहीं करता है किसी भी कोर्स के लिए, चाहे वो बैचलर कोर्स हो या मास्टर्स कोर्स हो या डिप्लोमा कोर्सेज हो। सो किसी कोर्स के लिए कोई पर्टिकुलर सिलेबस नहीं होता है कि इतने चैप्टर इस एग्ज़ाम में आने वाले हैं। इसको सिंपली आपको बताऊं तो आप सबसे पहले अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल चेक करें जिसमें आपके सब्जेक्ट कोड मेंशन होंगे। सपोज दैट आप अपनी स्क्रीन पर एक रजिस्ट्रेशन डिटेल का पेज देख रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर यानी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में जो जो सब्जेक्ट्स कोड दिए हुए हैं वही इसका कंप्लीट सिलेबस है। अगर आपके पास FST 01 सब्जेक्ट है तो उसकी जितनी भी बुक्स आपके पास अवेलेबल हैं, चाहे वो 4 बुक्स हों या 8 बुक्स हों, वो सभी आपको अपने एग्ज़ाम के लिए पढ़नी होंगी। उसमें ऐसा नहीं है कि आपको 4 चैप्टर या 2 यूनिट या 4 यूनिट प्रिपेयर करनी है और एग्ज़ाम देने जाना है। अगर आपको उस सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है तो ओवरऑल जितनी बुक्स आपको उस सब्जेक्ट से रिलेटेड मिली हैं वो सभी एग्ज़ाम के लिए आपको प्रिपेयर करनी पड़ेंगी। यूनिवर्सिटी आपको कोई सिलेबस प्रोवाइड नहीं करवाती है, ना ही इग्नू की वेबसाइट पर इस तरह का कोई सिलेबस अवेलेबल होता है कि आप उसे डाउनलोड करें और उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करें। अगर आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके पास जो न्यू सब्जेक्ट होते हैं और उनकी जो आपको स्टडी मटेरियल मिलता है वो कंप्लीट स्टडी मटेरियल ही आपका एग्ज़ाम के लिए सिलेबस होता है। उसके लिए अलग से कोई सिलेबस प्रिपेयर नहीं किया जाता है और ना ही ये चेंज होता है। सो इसलिए अपनी कंप्लीट बुक्स, जितना भी स्टडी मटेरियल आपको मिला हुआ है वो सभी आपको पढ़ना होगा अगर आप उनके एग्ज़ाम आने वाले नेक्स्ट सेशन में देने वाले हैं, यानी कि जैसे जून या दिसंबर में आप चाहते हैं कि आप एग्ज़ाम दें, तो आपको उन सब्जेक्ट की सभी बुक्स आपको पढ़नी होंगी। उसमें से इंडिविजुअल आपको बुक नहीं सेलेक्ट करनी है कि 2 बुक इस बार पढ़ के एग्ज़ाम दे सकते हैं या बाद में 2 बुक का दे सकते हैं, तो ऐसा कोई सिलेबस यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ पर आपको कम्प्लीट बुक पढ़नी होती है, देन उसका एग्ज़ाम आपको देना होता है। सो मोस्टली ये सभी मिस्टेक्स फ्रेशर स्टूडेंट करते हैं और उनके मन माइंड में ही ये डाउट होता है कि उनको सिलेबस कहाँ से मिलेगा। बट जो ओल्ड स्टूडेंट हैं वो इस चीज़ को अच्छे से जानते हैं और उन्हें ये बात पता भी होगी। सो आई होप आप समझ पाए होंगे कि आपको सिलेबस कहीं से डाउनलोड नहीं करना है और कहीं से आपको ये नहीं मिलने वाला है। जो आपके पास बुक्स हैं वही आपका कंप्लीट सिलेबस है। सो अगर आपको वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।